फ्रंट वाली स्पॉकेट है देखो इतनी ज्यादा ये हिल रही है, ये देखो ये देखो बहुत ज्यादा हिल रही, जो इतनी नहीं हिलना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये मेरे पास बाइक आई हुई हीरो की पैशन प्लस बाइक है, और इसके फ्रंट वाली स्पॉकेट में प्ले बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्ले दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे सही कैसे करना है वो बताएंगे। तो पहले प्ले आप लोग चेक करो, इतना ज्यादा प्ले है देखो। चलो मैं और करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को, इतना प्ले नहीं रहना चाहिए जितना प्ले इसमें है, इतना प्ले किसी भी बाइक में नहीं रहता है। ये देखो बहुत काफ़ी ज़्यादा प्ले है, देखो ये पूरा हिल रहा है पूरा। इससे जो है प्रॉब्लम भी होगी चैन की, आवाज़ भी करेगी, इतनी ज़्यादा प्ले है तो चैन सीधी नहीं चलेगी, चैन तिरछा चलेगी और आवाज़ करेगी। तो इतनी प्ले नहीं रहनी चाहिए। मेरे पास इसका एक कमेंट्स भी आया था कि सर फ्रंट वाली जो स्पॉकेट है इतनी ज़्यादा हिलती क्यों है। देखो हल्की प्ले रहती है बट ज़्यादा प्ले, बहुत ज़्यादा प्ले नहीं रहनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, काफ़ी ज़्यादा प्ले है, देखो ये। अब इसमें पहले तो ये चेक करते हैं कि इतनी ज़्यादा प्ले आई कहाँ से। तो इसके लिए हमको खोलना पड़ेगा दोनों जो 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं इसमें, ये खोलना पड़ेगा, गियर में डाल लेना है। दोनों बोल्ट मैंने चेक किया है अभी, टाइट है या लूज है, तो दोनों बोल्ट टाइट थे। अब मैं इन दोनों बोल्ट को खोलता हूँ, ये बाइक को गियर में डाल लेना है उसके बाद खोलना है, गियर में डाल लेना और उसके बाद इस पॉकेट के बोल्ट खोलोगे तो इस पॉकेट घूमेगी नहीं और बोल्ट आराम से खुल जाएंगे। इसकी पट्टी में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये तो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। चलो इसे रखते हैं, जो इस पॉकेट है इस पॉकेट को निकाल लेते हैं, ये इस पॉकेट को निकालते हैं और चैन से करते हैं इसे अलग। अलग करेंगे जब भी हमको समझ में आएगा कि इतनी ज़्यादा जो प्ले है फ्रंट वाली इस पॉकेट में वो क्यों है, है ना। चलो इसे पहले चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं कटी हुई, इसके दांते सही है या नहीं सही है, सॉफ्ट वाले दांते बीच के, तो बीच वाले दांते बिल्कुल सही हैं, देखो कटे हुए है ही नहीं। अब मैं आप लोगों को इसके जो शाफ्ट है आउटपुट वाला, आउटपुट शाफ्ट को देखो, इतना मतलब जो कमी है, जो हिल रही है इस पॉकेट वो इसी से हिल रही है। जो ये आउटपुट शाफ्ट है ये बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, देखो बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, जिधर हर तरफ मतलब सभी कटे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को इसको प्रॉपर दिखाता हूँ इसे, और इसे दोनों को क्लीन करते हैं। मैंने दोनों को क्लीन कर लिया, इस पॉकेट भी क्लीन हो गई, शाफ्ट को भी क्लीन कर लिया। अब इस शाफ्ट को आप लोग खुद देखो ये कितना ज़्यादा कटा हुआ है, इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा प्ले आ रही थी। यहाँ पे आगे की तरफ देखो और जो पीछे के सबसे पीछे की तरफ देखो और बीच में देखो, बीच वाली जो है बीच के जो पॉइंट हैं वो ख़त्म होने को है, मतलब थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, देखो बहुत कम बचे हुए हैं। तो इसी वजह से इसके इस पॉकेट में प्ले आती है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर चाहो तो इसका जो आउटपुट शाफ्ट है वो चेंज करवा सकते हो, चेंज हो जाता है ये इस पॉकेट फ्रंट वाली। तो अभी तो हमको जो इसकी आउटपुट शाफ्ट वो चेंज नहीं करना है, इसी को थोड़ा सा सही करना है। तो देखते हैं कैसे सही होती है। पहले अब क्या करते हैं, इसकी इस पॉकेट को चैन में लगा के और शाफ्ट में बिठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम शाफ्ट में बिठा के इसे अंदर कर देते हैं। अब इसमें मैं जो करने वाला हूँ वाइसर लगाने वाला हूँ। तो इतनी इस पॉकेट तो बैठ गई देखो, और ये हिल भी रही है। अभी देखते हैं वाइसर इसमें लगाते हैं, वाइसर कौन सा लगाना है वो बता देते हैं आप लोगों को। तो वाइसर जो लगाना है, ये जो मीटर गरारी के मीटर वर्म लेते हो आप उसमें वाइसर मिलते हैं, तो वही दो वाइसर हैं ये जो मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये बैठ जाएंगे। चलो इसे हम बिठाते हैं, मीटर वर्म के वाइसर हैं ये, और एक मैंने अलग से ये वाइसर लिया हुआ है गोला है। तो इन तीनों वाइसर को हम लगा के चेक कर लेंगे तीनों वाइसर में प्ले कितनी आती है, अगर सही रहा तो ये तीन वाइसर हम बांध देंगे। तो लगाते हैं दो वाइसर ये और एक वाइसर इसके ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब ये रुक नहीं रहा है, मुझे लगता है जो तीन वाइसर ज़्यादा पड़ जाएंगे क्या। चलो अब मैं इसे पलटी करके लगा देता हूँ, पहले इसे बिठाता हूँ और अब ये दो वाइसर बैठाता हूँ। वाइसर मीटर वर्म में रहते हैं तो इसे हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ये लग गई। अब इसका जो पट्टी है बाहर की वो लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि इसकी जो प्ले है, जो पहले प्ले थी
उससे कम हुई कि नहीं हुई। तीन वाइसर हमने डाला इसमें, बहुत पतले पतले वाइसर हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पहले इसे हम लगा के ट्राई करते हैं। चलो इसे लगा के बिठाते हैं, यहाँ पे बिठा के और इसे घुमा के इसके जो दो बोल्ट हैं वो लगा के इन दोनों को टाइट करते हैं। बीच में अगर बड़ा वाइसर हम लगा देंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इससे बड़ा वाइसर लगा देता तो जो होल हैं वो मैच नहीं होते, इसलिए मैंने छोटे छोटे वाइसर लगाए पतले पतले, ताकि जो होल हैं इस पॉकेट के वो पट्टी में मैच हो जाएं और हमारे बोल्ट आराम से लग जाएं। वाइसर तो हम कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन वाइसर ऐसा नहीं है कोई भी लगा दो, जो बोल्ट हैं इस पॉकेट के वो तो टाइट होने चाहिए, वो तो लगने चाहिए। इसीलिए जो वाइसर लगाओ तो पूरा सोच समझ के लगाओ कि हमारे जो इस पॉकेट में जो बोल्ट लगेंगे उसके ऊपर वाइसर तो नहीं आ जाएगा, उसके ऊपर वाइसर आ गए तो बोल्ट नहीं टाइट होंगे। अभी इन दोनों बोल्ट को टाइट करते हैं। इसमें से एक बोल्ट स्लिप हो चुका है, ये वाला बोल्ट जो है ये स्लिप हो चुका है। अब ये स्लिप क्यों हुआ, ये देखो स्लिप हो गया है। स्लिप इस वजह से हुआ कि हमने जो तीन वाइसर इसमें लगा दिए हैं उस वजह से ये जो अंदर तक चूड़ी नहीं पकड़ रहा है, बाहर ही फेंक देता है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा बोल्ट लगा देंगे, ये देखो थोड़ा सा बड़ा है, इसे लगा के मैं टाइट करूंगा तो ये टाइट हो जाएगा, ये अंदर तक चला जाएगा। तीन वाइसर का तो उतना गैप आ गया, गैप आने की वजह से बोल्ट स्लिप हो गया। तो अभी मैं ये बोल्ट को लगा के टाइट करता हूँ, थोड़ा सा इससे बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगा देना कि चेंबर में लड़ने लगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा मैंने लगाया हूँ अभी। अब मैं इसे टाइट करके देखता हूँ, ये देखो पूरा टाइट हो रहा है और हो गया। ऊपर वाला चेक करते हैं, वो भी टाइट हो गया। तो अब चेक करते हैं इसकी जो प्ले जो हिल रही थी इस पॉकेट, वो चेक कर लेते हैं अब। चलो अभी तो देखो नॉर्मल प्ले है, ये देखो नॉर्मल प्ले जो हर बाइक में रहती है। इतनी प्ले तो मैं सोचता हूँ कि सभी बाइकों में आती है, इतनी प्ले रहती ही रहती है, बहुत हद से ज़्यादा कम हो गई है प्ले। जितनी प्ले हर बाइकों में रहती है उतनी प्ले आ गई है। बस क्या करना है, वाइसर लगा देना, दो वाइसर लगा के आप अपना काम जो है चला सकते हो और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये मत सोचना कि वाइसर लगा दी तो कोई प्रॉब्लम होगी या चैन आवाज़ करेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जैसे बाइक चल रही थी वैसे ही चलेगी। तभी मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दी। तो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।